हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसा कि इसमें आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने को मामले को लेकर, इसका जो पेपर है वो रद्द करने के मामले को लेकर इस पर सुनवाई चल रही थी और इसकी सुनवाई पिछले दिनों 26 मार्च को हुई है। तो इसकी कुछ अपडेट, इसका जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है साइट पर, उसी से संबंधित पूरी अपडेट लेकर आया हूँ मैं आज इस वीडियो में कि उस ऑर्डर में आखिर में क्या कहा गया है। तो ये सब चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नया आए हुए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए। चलिए ये देखिए, आप कोड नंबर 23 में 8210 ये सर्विस नंबर था इसका, जो लिस्टेड केस था, ये अर्जुन कुमार के नाम से फाइल हुआ था। तो इसकी जो सुनवाई हुई है, तो इसका जो पूरा हिंदी रूपांतरण है वो मैं आपको पूरा करके दिखाने वाला हूं। उसमें क्या कहा गया है, जो ऑर्डर अपलोड हुआ है, क्या सुनवाई हुई है इसमें और क्या कहा गया है, ये सारा चीज आज के मैं बताने वाला हूं। तो ये राजेश सिंह जी के चौहान की बेंच की में सुनवाई हुई है। चलिए इसका पहले हिंदी रूपांतरण जो है देख लेते हैं कि हिंदी में क्या है, उसके बाद फिर इसमें हम लोग बात करते हैं। ये साथियों, ये इसका हिंदी पूरा इसका जारी किया गया, तो हिंदी में देख लेते हैं तो कैसे क्या चीज इसमें कहा गया। पहली लाइन से कोई खास तात्पर्य नहीं है, यहां से देखते हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील शिखा के लिए नोटिस विपरीत दलों नंबर 1, 2, 4 और 5 को कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो 1, 2, 4 जो 5 नंबर थे उनको स्वीकार किया गया है। कोर्ट के द्वारा सीखे हुए सीएससी श्री अजय कुमार ने के लिए नोटिस स्वीकार कर लिया है। विपरीत पक्ष 3 इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि गंभीर विसंगतियों का संचालन करते हुए किया गया है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 को। जाने याचिकाकर्ताओं के लिए वकील ने प्रस्तुत किया है कि परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया था, लेकिन उत्तर कुंजी लीक हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा 5/1/2019 के साथ साथ सुबह 6/1/2019 को और अधिक विशेष रूप से परीक्षा शुरू होने से पहले याचिकाकर्ताओं ने अनुलंघन संख्या 4 से कुछ सामग्री संलग्न की है। यानी कि इन्हें कहने का मतलब है कि कुछ सामग्रियां पेपर शुरू होने से पहले इन लोगों को प्राप्त हुई थी। तो रिट याचिकाकर्ताओं ने पैरा 13 में भी प्रस्तुत किया। रिट याचिका की वीडियो सभी के जवाब दिखा रहा है, इसमें वीडियो भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। 4 ABC और D श्रृंखला यूट्यूब पर उपलब्ध है, ऐसा इन्होंने कहा है कि ये इसकी जो पूरी इन्होंने जो श्रृंखला दी है वो सब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब का इन्होंने ये लिंक भी दे दिया है कि साइट पर ये सब चीजें उपलब्ध हैं, वहां पर दिखाया गया है। याचिकाकर्ताओं के लिए सीखे गए वकील ये स्वीकार करते हैं कि यदि प्राधिकरण संबंधित ने उक्त IP को खोला तो वह जवाब मिला सीट 5/1/2019 और यहां तक कि यूट्यूब में उपलब्ध है। उसके बाद 5/1 की जो YouTube की जो अपडेट है किसी चैनल पर अपडेट किया गया है, ये सुबह 6/1/2019 प्रारंभ होने से पहले अधिक सटीक परीक्षा का श्री पांडे के अनुसार खाते पर प्रवर्तक विसंगतियों आकांक्षाओं जो में दिखाई दिया परीक्षा बहुत नुकसान हुआ है। प्रति इंजेक्शन श्री रणविजय सिंह एडिशनल शिखा मुख्य स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई विसंगति थी तो याचिकाकर्ताओं के लिए शिखा वकील द्वारा प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ताओं को इसके तुरंत बाद इस न्यायालय का रुख करना चाहिए। परीक्षा के ये सरकारी वकील द्वारा कहा गया, परीक्षा में प्रश्न अर्थात 6/1/2019 लेकिन यह याचिका रही मार्च 2019 के अंत में दायर किया गया जो इस पर संदेह पैदा करता है। सरकारी वकील का कहना है कि जब 1 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था तो तुरंत इससे संबंधित याचिका दायर करनी थी। अगर ऐसा कुछ इस पर था, यानी कि भर्ती में कोई घोपला हुआ है, सब चीजें हुआ, तो तुरंत दायर करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मार्च में क्यों दाखिल किया, ये सब चीजें इसमें इन्होंने जवाब किया। श्री रणविजय सिंह ने आगे किया कि प्रस्तुत था कि इस तरह की विसंगतियां आचरण में प्रतिबद्ध थे। इस प्रश्न से परीक्षा उस तरह की कोई शिकायत या रिट अब तक इस अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई हो, लेकिन नहीं, अब तक ऐसी याचिकाएं दायर की गई हैं। लेकिन हालांकि श्री पांडे जी ने याचिकाकर्ताओं के लिए शिखा परामर्श प्रस्तुत किया कि कुछ इसी तरह की रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। ठीक है, इलाहाबाद में इस न्यायालय के समक्ष जिसमें जवाबी हलफनामा दिया गया है, कहा जाता है सक्षम करने के लिए 4/2019 को इस याचिका के नए सिरे से सूचीबद्ध किया गया। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 4 अप्रैल में इसको लगा दिया गया है अगली सुनवाई के लिए। चलिए हम आपको ऑर्डर पर लेकर चलते हैं फिर से, फिर वहां पे दिखाते हैं।
देखिए साथियों, जो सुनवाई हुई मैंने आपको बता दिया है। देखिए 26 मार्च को ये ऑर्डर अपलोड हुआ है और 4 अप्रैल इसकी अगली तारीख लगा दी गई है एज ए फ्रेश केस में। तो 4 अप्रैल को इसकी पुनः सुनवाई होगी। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, खास सुनवाई जो हुई है उसमें केवल यही सरकारी वकीलों के द्वारा कहा गया कि जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी तो ये याचिका इनको पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मार्च में क्यों इस याचिका को किया, तो ये सब कोर्ट ने सुनते हुए इसको आगे लिस्टेड के लिए लगा दिया है 4 अप्रैल की। तो देखें आगे 4 अप्रैल की क्या अपडेट आती है। जैसी अपडेट आएगी, जो अपडेट आएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी इस रिट से संबंधित। तो आज की अपडेट अगर आपको आई हो पसंद तो तुरंत वीडियो कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। चैनल पर आए हुए हैं नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन को इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।